के मुताबिक एक अधेड़ उम्र शख्स एक नाबालिग लड़की से शादी करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वाजिद जहालत की इंतहा देखो। सही कह रहे हैं मटकू, दुनिया चंद ते पहुंच गई है, उत्थे सोसाइटियां बनाने दा सोच रही है। असि हले तक इन्ना रौले हैं जी पे। देख भाई देख देख। हाय 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 भाई थ्रू ही खुदा हाथी। भाई आज कल दे बाबियां नु देखो की हो गया। कानून वाकई अन्ना हुंदा मेनू 70 साल दा जी कहन दे हो ते सीनियर सिटीजन नहीं क्या जांदा। चाचा जी शर्म करो, जो तुहाडी उम्र तुहानू चाहिए लैंड चला के पेंशन लवो, तुसी रिश्ते लैंड आए। एक नाबालिग लटकी से 70 साल बुजुर्ग की शादी, ये तो ऐसे ही है जैसे SHO IG की सीट पे बराजमान हो जाए। ये ना जी, इनको मैंने पकड़ा है अपने बल बोते पे। ये जो बुजुर्ग नौजवान है ना जी, इसको ना मैंने पकड़ा है। ये शादी ऐवें नहीं हो रही एंकर साहबा, ये शादी ऐवें नहीं हो रही, ये पूरा इस लड़के को फैसिलिटेट कर रहा है। ओए होए होए, अच्छा एहो जी स्पैंड ना सारी तफ्तीश करके ते एंड ते कह रही हुंदी तुसी मेरे नाल निकाह कर लो, 9 साल रह गई मेरी सर्विस होण दा। ओ तालू ना जबान ला, दफा 144 ला देंगी। बताए मोहतरमा क्या हुआ, सारी सिचुएशन बताओ। मेरा तो एडमिशन ये NCA में करा रहे थे और साथ साथ मेरे 6 के 6 भाइयों को इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, कनाडा और आखिरी वाले को US भेज रहे थे। वाह 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 वाह, यानी तेरे भरावां नूं बाहर दे मुल्क भेज के ते आप जमीन थले शिफ्ट हो जाएंगे। इंज करके गोल जिया उतो असीं स्पीड ब्रेकर बना देंगे, अगे तख्ती भी ला देंगे। हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए, उम्र 168 साल। चलो जी, आप स्कॉलरशिप बेस पे अप्लाई कर देती, अगर वो भी पॉसिबल नहीं था तो फिर आप फाइनेंशियल एड का जो ऑप्शन होता है उसको अवेल कर लेती। ये एडवाइजरी मुझे पहले मिली होती तो मैं इस पे अमल जरूर कर लेती। वाह, थाने आके पदीद हो गई है, भूल गई ओ दिन मेहंदी नाल हाथ उते लिखनी सा मेरा नाम जीरा पांबड़। जीरा पांबड़? जीरा पांबड़ चाचा, ये आपका नाम है या कोई गरम मसाला है? और चाचा किनू क्या ही है, गरम मसाला छड़ के मेनू तू कालियां मर्चा कह दे चाचा ना कहीं अगो तो। ओ चाचा बैठ जा, ज्यादा ना बुदक ना बुदक, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। मेरी बात सुने जी, ये जो आपने ऑफर इनको बताई है, एडवाइस दी है, ये क्या एडवाइस से मेरा काम हो सकता है? आप पहले मैट्रिक तो पास कर ले। अच्छा अच्छा अच्छा, तालीम कोई नहीं है, मतलब है तुसी डांस बेस ते भर्ती होए हो? ओ नहीं जी, जिथे जिथे शबाज शरीफ साहब ने ना अंडर पास दे इंज करके इफ्तिताह किया ना, उथे उथे मैं ऐसी ऐसी धमाल पाई है, ओ जांदे जांदे मैनू पुलिस च भर्ती करा गए। शबाज शरीफ, हां जी साढ़े इस काम दे उस्ताद है मोहतरम। ओ देखो ना, कहंदी है मैं धमाल ही ऐसी पाई भर्ती हो गई। हां एदा मतलब है बाजी तुसी झिंच कछिक बेस ते आए हो। अरे चाचा मेरी बात सुनो, एक्सक्यूज मी सीनियर सिटीजन, प्लीज डोंट माइंड इट। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, ये मासूम शोकरी की मजबूरियों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं आप हैं। और शोकरी प्लीज आप भी कोई ख्याल करो यार, तेरे को यही मिला था बड़ा, ठीक है तेरे साथ मसले हैं, तेरे को रिश्तों की कोई कमी नहीं है यकीन कर। अरे कोई ढूंढ, तेरे को इससे अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, कोई मीडिया सही मिल जाएगा, कोई इंटेलेक्चुअल टाइप का, ये जरा रोब वाला, पैसे भी बहुत हो इसके पास। ओ मीडिया वाले से शादी कर लो, मीडिया पे तो वैसे बड़े क्राइसिस आए हुए, 3-3 महीने से तो तनख्वाह नहीं मिलती। लो जी जिड्डी है खोचे लेना, सही है ता बाबे नाल हो रहे। ओ शुक्री, ये अफवाह किसी दुश्मन ने फैलाई होगी, 3-3 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती। ओ इधर तो यकम से 1 दिन पहले मिल जाती है। अल्लाह इनको कायम रखे। आमीन, अल्लाह बुरी नजर तो बचाए। आमीन। अब यार नहीं जी मैं कर सकता, क्यों वजह आ जड़ी गल पिछली करन दिया, ओ भूल गया तू है कौन सी आ जड़ी ब्याह दी गल कीती सी हां, ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਚਾਬੀ ਵਾਲਾ ਸਪੀਕਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਆਹ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂ ਵਿਆਹ, 6 ਭਰਾ ਇਹਦੇ 6
अल्लाह जानदा जे तू हुंदा इहदा भरा ते अज यूके बैठा होना सी। बाबा जी मैं मुंह बोला भरा बन जाना, मेनू माल दे भेज दे। चाचा ये मुंह बोला भाई बन जाता है, इसको ईरान का बॉर्डर तो टपा दरा। मटकू अमेरिका जाना है। हां बाबे नु कह मेरी भांजी लानत बेटा हूं, हम खुद चले जाएंगे यार। बैठा दंदियां कड़न दिया, कुड़ी को राखी बनवा, तेनू भी भेजा बाहर। मैं घर ही ठीक है चाचा जी। चाचा जी अगर आप चाचा किनू क्या दौजा बैठी मेरी नाल। बाबा जी अगर आप इतने बाबा फिर क्या दिता छोटू अब ठीक है। आ ठंड पाती के सीने च। अगर आप इतने ही रहम दिल थे तो आपने शादी की शर्त क्यों रखी? चले मान लेते हैं एज इज जस्ट अ नंबर, लेकिन आपके केस में तो एज इज अ ह्यूज नंबर। अरे बंदे हो तानू पता गिव एंड टेक दा काम है। चाचा जी अगर आपने शादी करनी भी थी तो कोई ऐसी खातून से करते जिसके साथ आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी होती, इतना ज्यादा एज डिफरेंस ना होता। चाचा जी शादी के लिए एज, मेंटल, एजुकेशन, इन तीन चीजों की कंपैटिबिलिटी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता नहीं आजकल कैसे लोग हैं कि पैसा देख के ना कोई तालीम देखते हैं ना कोई एज देखते हैं। पैसा इज नॉट एवरीथिंग, आनी जानी चीज है, आज आपके पास है कल मेरे पास होगा। तो काइंडली आप इन चीजों का जरूर ख्याल करें। अंडर एज मैरिज जो कि वैसे भी क्राइम है, इट्स इलीगल। अंडर एज मैरिड हो ये तो कानून हरकत चाहे। ए अंडर मैरिज हुंदी पईया ते कानून इन्हां दे तंबुआं दे विच धन पाग करदा वड़ गया। रोटी खुल गई हाली ये आवाज आई नहीं। अच्छा पालू कानून ने बह के तनावल मुहाजर कीता है, उस तो बाद पुलिस दे मुसल्ला दस्ते ने बाबे और उन्हें पालू दित्ती सलामी। आहा मोड़ी ना तू लाग लाए ने। वाह वाह मोड़ जा ते इन्हां नू हाथ कड़ियां लाईया। हां जी ये लेते इन्हां ने दुध पियाई दी रस्म भी करनी सी, वो ते सिपाही जदों दुध हाथ च फड़दा सी कावा बन जांदा सी। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਛੋਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਛੱਟੇ ਪਈਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਚੱਲਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾ, ਹੁਣ ਨਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੇਟੇ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਤੇਰਾ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ। शादी करना आपका बुनियादी हक है, लेकिन अपनी एज ग्रुप को मद्देनजर रखते हुए शादी करनी थी ना। कितनी उम्र है तेरी? बुजुर्ग बेटे आपकी एज ग्रुप से काफी बाहर है। आसान लफ्जों में दसो मैं बड़ी है तेरे तो। आप बड़ी है मेरी उम्र तो। हाँ जी तेरा ही चांस बनना ही। चाचा जी वैसे जिन्नी ताड़ी उम्र है तुहानू चाहिए मुंडे नू गैंठिए दी दवाई लैन भेजो, तुसी रिश्ते मंगण डए। चाचा इधर हनीमून के प्लेन्स तो बनाए होंगे। हाँ जी हाँ जी यकीनन मियानी साहब जाने की तैयारी हो रही है। कुछ मेरा मतलब है मियामी बीच जा रहे होगे चाचा। ऑन द बीच। अब्बा मेरा गया आज तक वापस नहीं आया हो तो। मियामी बीच नहीं, मैं तो मोंटी कार्लो जाऊंगी। बस जरा मेरे प्यारे अल्लाह को प्यारे हो जाए। मांटी कार्लो जाऊंगी भाई, तू मांटी कार्लो जाएगी इतनी तू असलानी रो। सही कह रहा मटकू, मोंटी कार्लो हो जाते जिन्हां दे अब्बे वड्डे ओदियां ते होण ते टिकटां स्पॉन्सर होण। चाचा जी ये तो मोंटी कार्लो गार्लो जाएगी, साली को भी इसके साथ कार्गो करा दो। बहुत अच्छे तू मिठाई दा डब्बा तेनू कार्गो करा दईए। पहले भी एक बंदा जहाज दे टायर च कार्गो होया सी, सीधा छत ते स्टीकर बनया उहदा। बस भाई बस ना तुसी जावणा है बाहरले मुल्क हनिया मुनिया, ना तुसी जावणा है मोंटी कार्लोस, जब तक कानून के साथ आप दस्त पंजा नहीं कर लेते। मैं मेरा मतलब कि जब तक आप मुकदमे का सामना नहीं कर लेते, अदालत का सामना नहीं कर लेते, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। ओ एसएचओ दा मतलब है जदों तक तुसी अपने मुकदमात दा सामना नहीं करदे तुहानू ने लाल खून ही टपण देना, मोंटी कार्लो किन्ने जान देना जे। ओ जनाब एसएचओ साहब ओ मैं केड़ा करप्शन च फड़िया गया,
मैं कड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की है या मेरे आमदन तो बाद सासे निकल आए ने या लोगों के अकाउंट चो मेरी रकम निकल आई है या मेरी बीवी पे नामी है मेनू फड़िया जे आ चुप करके घुगी जी बन के बैठी है इतने छे भरा तेरे बाहर लैंड कर गए ने इतने दसन नहीं डी मुझसे एवं पूछे जा रहे मेरे भाई कौन सा डील करके गए हैं और दस इतने तेरी रजामंदी नाल सारा काम होया व्या भाई ये कौन सी रजामंदी है ये तो माइनर है और वैसे भी अगर इनकी रजामंदी हो भी तो ये कानूनन जुर्म है बिल्कुल सही कह रही है ये तो सिगरेट का पैकेट नहीं खरीद सकती भाई जी उदो तो मेनू मोबाइल ते मैसेज कर दी रही है तितलियां हमेशा फूल पे बैठती हैं पूरा नहीं तुसी पढ़िया थले लिखे ऐसी तितलियां हमेशा फूल पर बैठती हैं और फूल कब्र पे बहुत अच्छे लगते हैं वो मैसेज आपने ना ठीक से पढ़ा नहीं था फूल नहीं था फूल था खबर के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जरे जमीन पर हाउसिंग सोसाइटीज बनाने पर पाबंदी आयद कर दी है काफी अच्छे काम कर रहे हैं कप्तान लेकिन ए वाला काम भी काबिले तारीफ जी बिल्कुल ऐसी बात है मैं आपको बताऊं जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है जिस रफ्तार से हम आबादी के लिहाज से और बड़े हो रहे हैं बहुत अच्छा काम है अरे जब गांव देहात शहर कस्बे जंगल बेले मजियां देन दुहाइयां कहने का मकसद है जब यहाँ पे सिमट के जंगलात होंगे आबादी ही आबादी होगी तो फिर हमारी आंखें तो फिर ग्रीनरी को देखने के लिए तरस जामेंगी आए हाय ओते कोई गल नहीं मटकू तेनू हरे रंग दी ऐनक लो आ देंगे अरे छोड़ यार देहात के वजूद को कस्बा निगल गया और कस्बे का हुस्न शहर की बुनियाद खा गई चलो ठकार चलो वेख तेरी खाला चलो मैं मैं ये कहना चाहता हूँ हिना जी उन्होंने ये कहा है कि आप जितनी भी जरई जमीनें हैं उनको खरीद के वहाँ पे कॉलोनीज ना बनाएं उन्होंने ये कहा है कि आप वर्टिकल बिल्डिंग्स बनाएं और आराम की जिंदगी जिएं वाजिद बिल्कुल सही कह रहे हैं जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक की कॉस्मोपोलिटन सिटीज हैं वहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं रही बल्कि वर्टिकल कंस्ट्रक्शन हो रही है और मैं आप लोगों को बताऊं कि पिछले 40 साल से न्यूयॉर्क में कोई भी कंस्ट्रक्शन हॉरिजॉन्टली नहीं हुई बल्कि वर्टिकली उसने एक्सपैंड किया है वाह 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 देखें यार कितनी अच्छी इंग्लिश हो गई वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ये जो तो छोटी हुंदी सी अम्मी की कहनी हुंदी सी हे ना फूकनी नाल बुलबुले ना बनाया कर तू बड़ी थी गई है काको गल तो तेरी है ठीक वजीर आजम साहब जो आखे है वो भी साढ़े सिर मत्थे ते वाह भाई जमीन साड़ी ਥਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਭੋਏ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਲੂ ਬੀਜੀਏ ਵਾਹ ਥੋਮ ਬੀਜੀਏ ਮਟਰ ਬੀਜੀਏ ਹਦਵਾਣਾ ਬੀਜੀਏ ਜਾਂ ਕਲੂਨੀ ਬੀਜੀਏ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨੀ ਤਾਂ ਲੈਬਰਟਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਲਿਬਰਟੀ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਵੇਲੀ ਪਾਓ ਊਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਵੇਲੀ ਪਾਓ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਖਾਓ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਜੀ ਖੈਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਧਪਾ ਤੇ ਵੱਟੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬਾਲ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਧਪਾ ਦਾ ਵੱਟਾ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਭਾਈ ਜੀ ਅੱਧਪਾ ਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਲੋ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾੜ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਤਾਰਫ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤ ਰਵੋ ਦੋ ਦੋ ਘੰਟੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨਵੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਜਨਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਅੱਛਾ ਪਟਵਾਰੀ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਕੋਨਾ ਕੋਨਾ ਬੂਟਾ ਬੂਟਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਪਟਵਾਰੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਵਾਰੀ ਨੇ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਵੈਸੇ ਮਟਕੂ ਹੈ ਪਟਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਅੱਛਾ ਐਵੇਂ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਫਰਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਚੋਂ ਫਰਦਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਮੇਂ ਕਰਾਚੀ ਮੇਂ कसीर मंजिला इमारतों की तामीर पर पाबंदी आयद कर दी गई थी बाद इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया अरे शुक्रिया मैं तेरे को बताऊं दुनिया में दो चीजें चल रहे हैं इस वक्त जो है रिहायशी इमारतों के लिहाज से
नंबर वन तो ये है कि भाई आप जब वर्टिकली जैसे तुमने बताया कि आप रहते हैं, इससे जो है वो लैंड बच जाती है, आपके पास जो है वो जगह आप कम घेरते हैं, लोग ज्यादा बसा लेते हैं। लेकिन इसका जो काउंटर चीज है दूसरा वो ये है कि हिफ्जान सेहत के जो मामलात हैं वो इससे मुतासिर होते हैं। बिल्कुल। अरे भाई देखो जाहिर सी बात है, घर तो वही होता है ना कि जहाँ पे आंगन होवे, तुम्हारा सहन होवे, लान होवे, पौधे लगाए, ग्रीनरी लगाई है, बच्चे को छोड़ा, बच्चा खेल कूद के वापस आ गया गंदा होके, फिर उसको नहलाया आपने, यानी नेचर के करीब। यार मटकू नीचे रह के बंदा नेचर दे करीब हुंदा है, ते उत्ते रह के जड़ा नेचर दा मालक है ना ओदे करीब हो जांदा है। भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके घर में सूरज की किरणें आए, विटामिन डी जो है उसे हासिल होता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए। इसके अलावा बहुत से बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो सूरज की किरणों से, सूरज की गर्मी से मर जाते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके घर में सूरज की शुआएं जो है वो दाखिल हों। और मेरे भाई कैसा छोटे बकरे की ओजरी जैसा तुम्हारा सर है। देखें ये जो अमूदी और उफकी इमारतें हैं ये बाद का मसला है। वाह वाह। सबसे पहला काम है हमारा बेघर लोगों को घर देना। ऊपर से कप्तान ने कह दिया ये जो आईडीपीज़ हैं ये शनाख्ती कार्ड बना ले, इनको घर कैसे देंगे बताएं मुझे। देखते सही कहना, सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम बेघर लोगों को घर दें। देंगे। और यह बंदे को कसम चुका के पूछो तो कहना होता मैं यतीम खाने कराए तो रहना ही। आ जिहड़ा अमूदी है आ नरेंद्र मोदी का छोटा भी रहा। नहीं जी उहदा वड्डा भणवैया है। घर में दो तरह की डिबेट होती है, कुछ लोग हैं जो वर्टिकल कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग हैं जो हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जैसा से मैं आपको बताती हूं कि पेरिस में, पेरिस का जितना भी शहर है ना उसमें अंडरग्राउंड जो ट्रेन्स हैं वो पूरे शहर में फैली हुई हैं, तो उस शहर में हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन की टेंडेंसी ज्यादा है क्योंकि वर्टिकल बिल्डिंग्स के लिए कोई स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। वाटर एंड सीवरेज का निजाम भी जो है वो अंडरग्राउंड है। वाह 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 वाह। देखो यार मुकद्दरा दी गल, आपको पेरिस का मैं बताऊं उसमें हॉरिजॉन्टल नहीं है, उसमें ये है आप मूवी बिल्डिंग्स नहीं बना सकते, आप फलां कर लें। देखो की करम होया, देखो छोटी होंदी ना सिर्फ अम्मी नु इन्ना कहनी होंदी सी अम्मा इंसान मियां वाली तो बाहर भी रहंदे ने के कहना। वाजिद पता नहीं डडा भी मैं कोई काम दी गल करा ना ते कोई पक्की रिसर्च लोगों नाल शेयर करा तो सा विच है जरूर अपनी लत घत के कोई मेरी गल नु खराब कर। भाई मैं मियां वाली रांदी हां, मियां वाली जी साइकी उबर दी हां, लेकिन हुण मैं लाहौर आ गई हां ते पिछले 15 साल तो मैं लाहौर ए चा। ओ चलो चलिए लगदा ओ ते पागल हो गई। हां भाई मेनू लगदा ओदा साइकी वाला बटन दबता किसे ने। शुरू कर दी थी कि मियां अली रानी होनी, हम लाहौर रानी हो, तो मैं एक और गल ऐसा कि मेरा पाकिस्तान का वजीर आजम है ना मियां अली दा, इमरान खान भी। अच्छा अच्छा वजीर आजम मियां वाली दा, लेकिन सराइकी तो कह नहीं बुलंदा तू सही सराइकी गाल ये भाई कि नहीं ना सराइकी किस साल गाल करन, टीवी तो कहने समझ नहीं आते, ज्यादा लोगों ने सराइकी समझ नहीं आती, कितने कह रहे कितने गाल करे। अरे प्रोड्यूसर बंद करो कैमरे भाई, ये क्या बंद करो कैमरे। अरे भाई ये छोकरी तो पागल हो गई है बाबा इसको। ओ यार क्या बात है, खौफ कर है ना तेरी मेहरबानी, ऐ ते इंज लग रहा जिवें जोकदर जोक नहीं हो रहा। प्रोग्राम का नाम है कूक सजना दी, तो मैं तुम्हारी होस्ट है हिना न्याजी, तुम्हारी मेहरबानी है तो मैं को होस्ट समझ दो, लोग मोहल्ले में को पागल पागल सड़े ने। मैं थे पागल है ए जिरा हॉरिजॉन्टल है ए गैस एलिमेंटल दा की लगदा है। स्ट्राइकी जो तुसी भाजी शुरू कराया उनू। अच्छा जी सारा मियां वाली उनू दे दिमाग ते चढ़ गया जे। थोड़ी देर बाद उन्हें गड्डी दा नहीं पूछना, उन्हें कहना गड आ गई है कि नहीं। आप लोगों को पता है कि सैन फ्रांसिस्को में भी होते ही 32 साल तक के केस चलता रहा है, लेकिन आखिरकार 32 साल बाद लोगों के वोट्स के बाद वर्टिकल इमारतें बनाने पर पाबंदी आयद कर दी गई, और वहां पर अब जितनी भी कंस्ट्रक्शन होगी वो हॉरिजॉन्टल ही होगी। नहीं तो होना सी की करिए कप्तान ते केस करा दिए कि आपने वर्टिकल बिल्डिंग्स नहीं बनानी, हॉरिजॉन्टल बनानी है प्लीज। भाई जिस तरह से अब कराची है ओवर पॉपुलेटेड सिटी है, वहां पर ऑलरेडी इतनी बिल्डिंग्स हैं, इतनी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है कि अगर आपने कोई घर बनाना हो या कोई प्लॉट खरीदना हो तो दैट्स नियरली इम्पॉसिबल। इसी तरह आप लाहौर में देख लें, इतनी ज्यादा आबादी है, इतनी ज्यादा बिल्डिंग्स हैं कि वहां पे आपको कोई खाली प्लॉट या कोई बिल्डिंग बनाने के लिए प्लॉट उस तरह से नहीं मिलेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम फैमिली प्लानिंग करें और पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। लो मोहतरमा एंकर हिना गुरकी साहबा, मेरा कराची सी व्यू के सामने एक प्लॉट है। अच्छा तो उस पे आप वर्टिकली हॉरिजॉन्टली अमूदन उफकन बनाए, मैं उफ तक नहीं करूंगा। वाजी बात चोई साहब, इतने बड़ी इंग्लिश बोलन डे हो, सारियां रजिस्ट्रियां तो अंगूठे लगे ने तड़े। और एक मेरा पूल आर्ट है इस्लामाबाद। ओ वो कहां पर है? फेज 103 में।
भाई ये कौन सा फेज है 103? ए बिजली वाला जी जितो करंट पैंदा चौधरी नु। इस फेज का नाम है फेज अहमद फेज इंटरचेंज। एक मेरा पीलॉट है मरी कश्मीर पॉइंट पे, उस पे आप वर्टिकली हॉरिजॉन्टली उसकी बल्कि अमूदी बनाए जी, और वहां अमूदी बनाकर कश्मीर फतह करें। मैं तो हैरान हाँ कि चौधरी आज एडे एडे मुश्किल फास बोल रहा है, मैं लगता है पिछों दस रहा है वो कौन है भाई। लो जी इनको पीछे से कोई बता रहा है ये चौधरी साहब है उस्मान बुजदार नहीं। And we are right back after the break. इस वक्त होगा जोक दर जोक में एक बहुत ही बड़ा वार टाकरा, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं किंग खान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम साफी साहब, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। आज मैं आपको बताता चलूं कि मेरी आज स्पीड भी ठीक है और स्टडी भी ठीक है। जितने भी आप सवालात करेंगी उसका तुर्की बतुर्की आपको जवाब मिलता रहेगा। फवाद चौधरी साहब, आज दुश्मन का तख्ता उलट जाएगा, जो भी रास्ते में आया वो कट जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ए वार स्ट्रेटजी से डाबलद एकर। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि आज मेरी रफ्तार रावलपिंडी एक्सप्रेस यानी शोएब अख्तर और जेएफ थंडर की मिशन बेल से भी तेज होगी। आज ना छोड़ूंगा तुझे दब दबा दब, तूने क्या समझा है मुझे दब दबा दब, दिल में है तूफान भरा दब दबा दब, नाच मेरी जान जरा दब दबा दब। देखते रहिए इस प्रोग्राम को, बहुत कुछ होने वाला है आगे। जी हाँ। असल में ही ना हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत-ए-हाल चल रही है हम सब एक पेज पे खड़े। पेज पे तो बामुश्किल आप अकेले ही पूरे आते हैं, हम सब तो किनारों पे खड़े हैं। अरे 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 साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। जी हाँ। ये मेरा ख्याल है किंग खान भाई आप मोदी की तरफ से ये गाना सुना रहे हैं। जी ना सिर्फ मोदी बल्कि बिलखसूस मोदी और इंडियन मीडिया, तमाम तर इंडियन मीडिया जो कि इस वक्त अपने मुंह से अल्फाज की जगह पे आग निकाल रहा है, आज ना छोड़ेंगे तुम्हें दब दबा दब। हाँ जी बिल्कुल, भारतीय मीडिया मुंह से आग उगल रहा है इसलिए उनकी आग पर पानी डालने के लिए उनको यहाँ हाजिर किया है। और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अर्नाब गोस्वामी। नमस्कार। बड़ा इसका भी तड़के वाली कोली जैसा मुंह है। बड़ा इसका सस्ते चंदर चूर सिंह जैसा मुंह है। बड़ा इसका कुश्ता मारने वाले चट्टू बटे जैसा मुंह है। तुम तीनों के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ टांगे दबाने के लिए। अर्नाब गोस्वामी नाम है मेरा। इनके साथ तशरीफ फरमा है बरखा दत्त। हेलो एवरीवन एंड थैंक यू सो मच अना फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस शो। तौबा ये तो किसी तरफ से सहाफी नहीं लगती, ये तो लग रहा है टेडी बकरी ठीक करवाई हुई है। अरे अरे टेडी बकरी की जगह इसको देसी बकरी कह दो, क्योंकि कभी कभी इनके मुंह से भी अमन की बात निकलती है जिसका हम बतौर जिम्मेदार पाकिस्तानी मीडिया बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। राजदीप सरदेसाई जी, जहाज क्या गिरे हमारे, पूरे हिंदुस्तान की नजरों में हम गिर गए। बेशक बेशक। इसका क्या नाम है? राजदीप सरदेसाई। तुम्हारा होना चाहिए राजदीप सर दिखाई। श्वेता सिंह। नमस्कार, कहिए क्या सुनेंगे आप? अच्छा ये वाकई सहाफी हैं? जी जी बिल्कुल, ये जर्नलिस्ट हैं। आज तक इनका बहुत फेमस शो है इंडिया में जो बहुत लोग देखते हैं। लेकिन इनके चेहरे से लग रहा है कि बहुत अच्छी निर्तकी होंगी ये। साफी साहब इतनी भी खूबसूरत नहीं है, सब मेकअप का ही कमाल है। और इनके साथ मौजूद है काले खान। ओ, मेरा मतलब है दीपक चुरसिया। धन्यवाद। तो वाह, इसका नाम क्या है? दीपक चिकड़सिया। ये है इंडियन मीडिया, नाम है दीपक चुरसिया। ओए हरि प्रसाद चुरसिया से मुतासर हो,
क्या उनके गंडा बन शागिर्दो? मुझे तो फवाद साहब यकीनन ये उन्हीं से मुतासिर लग रहे हैं, और मैं यहाँ पे आपको एक भविष्यवाणी, जिस तरह इनकी भाषा है भविष्यवाणी, मैं वो आपको देता चलूं कि कल जब इनकी लगाई गई आग से पूरा भारत जल रहा होगा तो ये वहां पे खड़े होके चैन की बांसुरी बजा रहा होगा। जी हाँ। अरे अपना दीपक चरसिया क्या था? चरसिया। हाँ हाँ, दफा कराओ। दफा दूर। साफी साहब, इंडिया इस वक्त बहुत आगे बढ़ चुका है और उनके जो न्यूज रूम है वो तो वॉर रूम का नक्शा पेश कर रहे हैं, लेकिन जो आम इंडियन है वो इमरान खान की तारीफ कर रहे हैं और हमारे पाकिस्तानी पॉलिसीज की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल, बल्कि इससे पहले कि साफी साहब कुछ कहे, मैं सीनियर हूँ, मैं ही आपको बता देता हूँ। इस वक्त भारत के अंदर से जग के खिलाफ आवाजें उठ रही है, मुखालफत हो रही है, उनको पता है कि अगर जग हुई तो उनका अंजाम क्या होगा, लेकिन मोदी है कि उसके कान पे जू तक नहीं रेंग रही। जो क्यों नहीं रह रही हमें नहीं पता, लेकिन हम आपको हाल अहवाल सुनाते हैं। मोदी सरकार और अभिनंदन की उस मुलाकात का, जब उनका आमना सामना हुआ, मोदी पूछता है कितने आदमी थे, तो अभिनंदन जवाब देता है कि आदमियों का तो पता नहीं, लिहाजा ठुड्डे बहुत ज्यादा थे। जी हाँ, ठुड्डे भी थे, घूसे भी थे, लातें भी थी, चपेड़े भी थी, मुक्के भी थे, पता नहीं क्या क्या था। मैं आपको उस मुलाकात का बताऊं कि फिर मोदी ने सवाल किया कि कितने जहाज थे, अभिनंदन कहता है चार, मोदी कहता है हम चार और वो एक, फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। अभिनंदन ने कहा कि मोदी मैंने तुम्हारा नमक खाया है, जिस पे नरेंद्र मोदी का जवाब था कि अवाम ज़ादे अब गोली खा। जिस पे अभिनंदन ने मोदी को जवाब दिया कि अपने मुल्क में आया हूँ, अपने देश में आया हूँ, तो इधर गोली की बातें हो रही हैं, यही साथ वाले देश यानी पाकिस्तान में, जहाँ मुझे प्यार और इज्जत से चाय पिलाई जा रही थी। देखिए जी, पाकिस्तान डर गया, बल्कि डर चुका है। देखे ना, भारत ने दबाव डाला और बगैर किसी शर्त के विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा कर दिया। नहीं तो भारत ने क्या दबाव डाला हमको? भारत ने यह कहा कि कभी कतरीना का डांस नहीं दिखाएंगे। दूसरी बात ये, यहाँ पे मैं भी ऐड करना चाहूंगा, बावले सहाफी, मेरी बात को कान खोल के सुन लो, अगर तो ये भारत के दबाव पे हुआ है तो वो तुम्हारा मामे खां कुलभूषण यादव क्यों नहीं छुड़वा रहे? और दूसरी बात ये कि भारत के दबाव में पाकिस्तान आने वाला नहीं, ये पाक आर्मी है मेरा भाई, इधर बच्चों की शहादत पे माएं फखर करती हैं, तुम्हारी तरह रोती नहीं है। और भाई, भारतीय मीडिया तो फैक्ट्स को इतना डिस्टॉर्ट करता है कि आपके मीडिया ने ये खबर चलाई कि अभिनंदन जो है वो पाकिस्तान में जब थे उनको मेंटल हरासमेंट से गुजरना पड़ा, हालांकि जब वो यहाँ पर थे तो चाय की चुस्कियां ले रहे थे। ओहो, है ना, अभिनंदन को ज़ेनी हरासमेंट से नहीं बल्कि ज़ेनी थुडेसमेंट से गुजरना पड़ा। अभिनंदन किस तरह यहाँ पे चाय पीता रहा वो भारत आकर उसने बहुत अच्छे से बताया है। ओहो बरखा, किस तरह पीता रहा, ऐसे पिया सारी दुनिया ने देखा। जी, आप ये चाय किस तरह भूल सकते हैं इंडियंस, क्योंकि आपकी तो सात नस्लें ये याद करेगी, एक चाय के कप के बदले बिग 21 जहाज। रिटायर्ड पत्रकार, आपके नॉलेज में मैं ये लाना चाहूंगी कि कुलभूषण आपकी कैद में क्यों है और अभिनंदन वापस इंडिया किस तरह पहुंचा, ये सब जुनेवा अकॉर्ड के तहत हमें सब पता है। आप अभिनंदन को तो यहाँ पर रख ही नहीं सकते थे। क्यों नहीं रख सकते थे, उसके नाप का यहाँ बिस्तर नहीं था हमारे पास, या उसके हाथ के साइज की हाथ कड़ी नहीं थी हमारे पास। यहाँ पे बहुत खुश रहा है, बल्कि मैं आपको अगर बताता चलूं कि जब आपकी पूंछ पे पाँव रखा जाए तो आप लोगों को जिनेवा अकॉर्ड याद आ जाता है, यूनाइटेड नेशंस याद आ जाता है, ये वही यूनाइटेड नेशंस है जिसमें कश्मीर से मुतालिक लातादाद करारदादे पेश की गई है, उन पे भी कभी जरा ध्यान दीजिएगा। शाबाश किंग खान, शाबाश किंग खान। और साफी साहब, पाक भारत कशीदगी के दौरान इंडियन मीडिया को देख कर ना मेरे दिल में आप दोनों के लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ गई है। क्या ऑब्जेक्टिविटी के साथ एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म की आपने पूरी दुनिया में एग्जाम्पल सेट की है। यकीन करें ही ना, इंडियन मीडिया को देखने के बाद दिल करता है कि आते जाते किंग खान के हाथ और साफी साहब का माथा चूम लूं,
अच्छा आप ऐसा करें, हाथ मेरे कर लें और माथा उनका कर लें, मेरे पहले भी पिंपल्स निकले हुए। तेरी वादी वादी चुबू, तेरा कोडा कोडा चुबू, तू है मेरा दिल भर जान, तू है मेरा पाकिस्तान। प्यास भड़की है सरे शाम के, जलता है बदन, ओ जलता है बदन, पसीने डाल पिज गए कुंड लाले वाल। बड़ी बात है किंग खान, मौत के कुएं के गाने टॉक शोज पर आना शुरू हो गए। किंग खान ये तो हिजड़ों का नेशनल एंथम है। अरे ये रेफरेंस इसलिए दिया कि क्या हिजड़े क्या खुसरे क्या बच्चे क्या बूढ़े, सभी इस वक्त भारत के खिलाफ सीधा सफर है, और सबके सब हब जबान होकर ये कह रहे हैं कि चंद्रा गुआड ना होवे, लाई लग ना होवे, कराला असीवी कराया देने आ, ये भी है उसमें। हर गुजरते पल के साथ भारत पर रहा है पाकिस्तान पे भारी। सेनापति ने कहा है अगर अब सीमा का उल्लंघन हुआ तो दिया जाएगा मुंह तोड़ जवाब। ये तो सेनापति ने कहा है, वो भी तो बता जो तेरे पति ने कहा है। नहीं बता सकते। मैं बताता हूँ कि तुम्हारे पति ने क्या कहा है। इसके पति ने कहा है कि कप्तान बात करता है पीस की, तो भगवान के लिए तुम भी घर में पीस वाला माहौल बना दो। अरे 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 इसके पति तो ये भी कहते हैं कि कदी तिपे के जानी बेगम आवे सुखदा सानी बेगम। हाँ, कदी तिपे के जानी बेगम आवे सुखदा सानी बेगम, मैं भी डेटा मारांगा पाकिस्तान तुम्ही जहाज ले जानी बेगम। इसका खावन तो अभी से ये कहता है कदी तिपे के जानी बेगम आवे सुखदा सानी बेगम, और हुण तो सुख नाल जी लैण दे, थोड़ी क्वांटिटी दे विच जहर थानी बेगम। अच्छा भारतीय मीडिया तो बस ये जानता है कि जंग के चक्कर में रेटिंग आएगी। भाई रेटिंग नहीं एग्जेजरेटिंग, बल्कि ये काफी इरिटेटिंग है। कदी तिपे के जानी बेगम आवे सुखदा सानी बेगम, वाह वाह। रेटिंग पिछे पई रहनी है, हुण तू खसमा नू खानी बेगम।